हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अमित जेटी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। लर्न एंड प्रेप के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर रहेगा बच्चों, वो रहेगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब तक हम तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, ये रहा। पहले तो ये आपका इंट्रोडक्शन सर, ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। एक बच्चा है बच्चों, कहां पर बैठा है? लास्ट बेंच पर। बैक बेंचर से या नहीं है? हाँ सर, बैक बेंचर से है ना। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या एक बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है, लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है बच्चों लेटर्स, वो साफ साफ पढ़ पा रहा है? हाँ सर, पढ़ पा रहा है। ठीक है, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन हिज टेक्स्ट बुक। बट बताओ सर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ तो पढ़ पा रहा है सर, बट जो उसकी टेक्स्ट बुक में वो लिख रहा है ना, वो नहीं पढ़ पा रहा है। क्लियर है बात? ये लाइन से ये समझ में आया कि सर, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है ना टीचर, वो तो हम पढ़ पा रहे हैं, बट जो हमने टेक्स्ट बुक में लिखा है वो नहीं पढ़ पा रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने आपसे पहले ही बोला है बच्चों कि हमें क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ना है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, बार बार हम एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, बस ये मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीड अवे। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। द फार पॉइंट of his eye come to closer to him. The far point of his eye receded away. आपको ये बताना है कि सर, अगर मैं इसको ठीक करता तो कौन सा लेंस लगाता। ठीक है, नियर पॉइंट पास आया दूर गया, फार पॉइंट पास आया दूर गया, ये आपको क्लियर करना है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्या मुझे दूर का दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? हाँ सर, दूर का तो दिख रहा है, बट पास का नहीं दिख रहा। ये कौन सा डिसीज है हमारी आंखों का, बताइए सर? क्या इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं क्या? हाँ सर, फार साइडनेस बोलते हैं क्या? हाँ, इट मींस फार साइडनेस में क्या होता है बच्चों, हमें पास का नहीं दिखता, दूर का क्लियर दिखता है। जबकि नियर साइडनेस में क्या होता है बच्चों, हमें पास का तो दिखता है सर, लेकिन दूर का नहीं दिखता। नाम पर नहीं जाएंगे सर, है ना, नाम थोड़े उल्टे हैं, बट क्या हम समझ पाए हाइपरमेट्रोपिया फार साइडनेस, मायोपिया नियर साइडनेस। मायोपिया में क्या हो रहा है बच्चों, दूर का नहीं दिख रहा है सर। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है सर, पास का नहीं दिख रहा है सर। फार साइडनेस एंड नियर साइडनेस, क्लियर है? तो आइए देखते हैं। According to the given condition, the student suffering from hypermetropia. क्या मैंने सही बोला है? क्या hypermetropia से पीड़ित है बच्चों वो बालक? हाँ सर, और हम इसको far sightedness भी बोल सकते हैं। He can see distant object. क्या वो दूर लिखे हुए शब्द देख पा रहा था? हाँ सर, blackboard पर जो शब्द letters लिख रहे थे teachers, क्या वो clearly visible थे? हाँ सर, but क्या विजिबल नहीं था सर, जो वो खुद अपनी टेक्स्ट बुक में लिख रहा था ना सर, वो विजिबल नहीं था। बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इट मीन्स द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे। नियर पॉइंट ऑफ हिज आई रिसीडेड अवे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, अगर हाइपरमेट्रोपिया है, किसी बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, तो उसको हम अगर उस डिसीज को हमें सही करना हुआ तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, ये बताइए। जल्दी जल्दी सोचिए, क्या हम कौन सा लेंस यूज करेंगे बच्चों? अगर किसी बच्चे को हाइपरमेट्रोपिया है तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे सर, वो डिसीज सही हो जाए? कोई बता सकता है? हाँ सर, हम उस वक्त कौन सा लेंस यूज करेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा सर, मायोपिया में हम कौन सा यूज करते हैं बच्चों?
मायोपिया में हम यूज करते हैं सर कॉनकेव लेंस। ले रहे बच्चों बात? चलिए When a ray of light passes through a glass prism, जब एक light ray एक glass prism से जब एक light ray एक glass prism से pass होती है बच्चों, when a ray of light passes through a glass prism, it suffers two refraction during this refraction. The ray bends. Ray किस तरफ मुड़ेगी आपको ये बताना है। क्या बोला है बच्चों? एक glass prism। क्या glass prism ऐसा बनाया था हमने? आया ना, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिज्म एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। सपोज एक वाइट लाइट इस पर इस डायरेक्शन में आ रही है, क्लियर है क्या? चलो एक पूरे पेज पर ही ले लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म, क्लियर है बच्चों? ये ए, ये हमारा ग्लास प्रिज्म हो गया बच्चों, ठीक है। ये जो एंगल आएगा बच्चों, ये एंगल कहलाता है क्या? प्रिज्म एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रिज्म एंगल, क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल, ठीक है। एक वाइट लाइट इस तरह आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या रिफ्लेक्शन जानते हैं? रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले तो ये बताइए बच्चों। रिफ्लेक्शन मैंने लाइट चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था बच्चों। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बेंडिंग द बाउंसिंग बैक ऑफ रेस और रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी एंड स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट रे का स्मूथ शाइनी सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में लौट जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन कहलाता है। सेम एज जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, व्हेन लाइट रे एंटर्स इनटू वन मीडियम, व्हेन लाइट रे एंटर्स वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, नॉर्मल से दूर हटती है। इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया था बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल के पास मुड़ती है या नॉर्मल से दूर हटती है। इस फिनोमेनन को हम नाम दिया बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना और उसका मुड़ना, ये क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट रे बेंड होती है ये किस पर डिपेंड होता है सर? सर ये डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, म्यू पर। क्या हमें कुछ कुछ याद आ रहा है बच्चों? यस सर, याद आ रहा है। ये किस पर डिपेंड होता है? म्यू पर। म्यू क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, म्यू क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ रे इन दैट मीडियम, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ द रे इन दैट मीडियम। उस मीडियम में उस रे की, लाइट रे की क्या स्पीड हो गई, है ना। दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे ये पता पड़ता है कि सर जो लाइट रे है वो कितना बेंड होगी, कितनी उसकी स्पीड होगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, हाँ या ना? ये पढ़ा था हमने, अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, हाँ या ना। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों जो रेयर मीडियम है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसर के कंपेयर में क्या होता है बच्चों? कम होता है, क्लियर है क्या? चलिए, अगर हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, ठीक है, और ये एयर से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाहर एयर है और ये ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा कर दिया सर आपने, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर म्यू ए,
ठीक है। अब क्या हमें दिखाई दे रहा है सर, क्या मैं इसका नॉर्मल बना सकता हूँ क्या? हाँ सर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते सर, नॉर्मल बनाते हैं सर। लीजिए क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है सर? हाँ सर विजिबल। क्या ये इसके परपेंडिकुलर है? हाँ सर। अब हम जानते हैं कि सर जब भी लाइट रे, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी लाइट रे जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है, ठीक है बताओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल? सर जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है ना, किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसको कुछ इस तरह बना सकते हैं क्या बच्चों, ये बताइए। ठीक है हाँ सर। क्या ये बेस की तरफ झुकी क्या सर? हाँ सर बेस की तरफ झुकी। ये इसका नॉर्मल हो गया, इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। अब ठीक है, यस सर। ये वाला एंगल कितना हुआ बच्चों? ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सरफेस के साथ नॉर्मल कितना एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री। क्या हमें क्लियर है बच्चों? एक एक चीज क्लियर करेंगे बच्चों, है ना, धीरे धीरे चलेंगे और एक एक चीज क्लियर करते हुए, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। क्या अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है सर? डेंसर से रेयरर। क्या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी सर? बताइए, जब रेयरर टू डेंसर जा रही थी बच्चों, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो हमने देखा कहां नॉर्मल की तरफ झुकी सर। अब क्या हो रहा है बच्चों? डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर कि अवे फ्रॉम दी नॉर्मल? हाँ या ना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल सर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? थोड़ी ज्यादा मुड़ गई क्या? हाँ सर थोड़ी ज्यादा मुड़ गई। ठीक है सर, इसको जाना कैसे था सर? अगर मैं इसको बोलूँ, इसको जाना था सर ऐसे और इसको जाना था सर ऐसे, है ना, अगर मैं इसको पीछे मिलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो लाइट रे को जाना था ऐसे और जा रही है ऐसे, क्या ये डेविएशन हो गया क्या बच्चों? ये बताओ, इसको डेल से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, डीपली पढ़ रहे बच्चों एकदम, है ना, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पक्का। क्या ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा क्या बच्चों? ये बताओ, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन R1 मान लेते हैं, ये वाला भी एंगल एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा बच्चों बताओ? ये कहलाएगा बच्चों इमरजेंट एंगल। क्या कहलाता है बच्चों? ये इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल हम जिसको बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या अब लाइट रे जो बेंड हुई है वो किसकी तरफ बेंड हुई है? ये बच्चों इसका क्या है? बेस है ना, बेस है ना इस प्रिज्म का, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे सर बेस की तरफ बेंड हो रही है। हाँ सर ठीक है, जब लाइट रे रेयर टू डेंसर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं सर टुवर्ड द नॉर्मल, हाँ ठीक है टुवर्ड द नॉर्मल, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ या ना। यहाँ पर स्पीड क्या होगी बच्चों? इसकी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पर जो स्पीड होगी इसकी क्या होगी बच्चों? कम होगी। स्पीड यहाँ पर कम होगी और इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सर रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट रे की वो ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, इस प्रिज्म में कोई डाउट है क्या बच्चों? बताइए, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन, इट मींस क्या है बच्चों बताओ?
इसका मतलब ये है कि सर लाइट रे जाए से रही थी, बट अगर हमने प्रिज्म रख दिया ना तो वो इस एंगल से डेविएट हो गई। ठीक है, कितने एंगल से? ये डेल एंगल से। ठीक है बच्चों, इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, मतलब। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं क्या, अवे फ्रॉम द बेस इन द बोथ केस? नहीं सर, अवे थोड़ी सा सर, टुवर्ड द बेस इन बोथ केस, ये आंसर है सर, है ना? टुवर्ड द बेस इन फर्स्ट केस एंड अवे फ्रॉम द बेस इन सेकंड केस। नहीं सर, दोनों में पास आ रहा था, किसके? बेस के पास आ रही है बच्चों, अवे फ्रॉम द बेस इन फर्स्ट केस। नहीं सर। ठीक है, जब एक लाइट रे एंटर करती है तो दोनों ही केस में क्या वो बेस के पास से जा रही है क्या सर? हाँ सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अच्छा सर, ये भी बात है, मतलब है ना, आपने वो स्प्लिटिंग तो बताई नहीं सर। इज ड्यू टू, बताइए किस कारण से होता है बच्चों? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर, अब मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना? ये हमारा प्रिज्म है बच्चों, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया हमारा, ये वाइट लाइट है यहाँ पर आई। अब हम ये जानते हैं कि सर, जब रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल के पास से जाती है सर, तो ये इस तरह। बट अगर मैं बात करूँ सर, हमने विबग्योर पढ़ा है क्या बच्चों? हाँ सर, हाँ या ना? वी ज्यादा तो लेमडा ज्यादा, वी इज इक्वल टू एन लेमडा से, हाँ या ना? अगर वी ज्यादा तो म्यू क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा, विबग्योर याद रखना बच्चों, विबग्योर इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों? ये बताओ, सबसे कम स्पीड किसकी होगी और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, ये भी देखेंगे हम। यहाँ पर रेड का सबसे कम डेविएशन होगा, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, क्यों सर? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो सेम है ना यहाँ पर। ठीक है, लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, स्पीड ज्यादा इट मीन्स वेवलेंथ ज्यादा, है ना? स्पीड सबसे कम किसकी होगी सर? रेड वाले की सबसे कम होगी, क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये बाहर वाले म्यू एयर से क्या हो गया? कम है ना? यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू एयर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सर, यहाँ से भी क्या होगा बच्चों, ये सेवन डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होंगे बच्चों इस तरह, और इसी के बीच सात कलर्स होंगे सर। कौन कौन से सात कलर्स है वो भी बताते हैं, आइए। ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, छूट गया बच्चों ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह सेवन डिफरेंट कलर्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है बच्चों, वेवलेंथ ज्यादा है इट मींस क्या होगा बच्चों, बता सकते हो क्या? वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, हाँ या ना? वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, सेवन डिफरेंट कलर्स में ये क्या हो जाते हैं बच्चों? डेविएट हो जाते हैं, क्लियर है क्या प्रिज्म से? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो कैसे बनेगा सर? ऑप्शन देखिए, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, क्या ऐसा कुछ होता है क्या बच्चों? नहीं सर, रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बताइए। रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए क्या? हाँ सर, डिस्पर्जन, स्केटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये बात तो हम जानते हैं कि सर जब भी रेनबो बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलो मैं रेनबो का प्रोसेस बताता हूँ आपको कि रेनबो कैसे बनता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेनबो कब बनता है सर, ये हमारी वाटर की ड्रॉपलेट मान लेते, थोड़ी बड़ी कर देते सर वाटर की ड्रॉपलेट, ठीक है ना, वाटर की ड्रॉपलेट को बहुत जूम कर दिया बच्चों हमने, ठीक है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। जब भी बारिश होगी और सन सन की जो कंडीशन होगी वो कहाँ होगी, सन आपके पीछे होना चाहिए सर। रेनबो हमेशा अपोजिट टू द सन बनता है, ठीक है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सर सन इधर है और रेनबो भी इधर ही बन रहा है, कभी भी ये बात नोट कीजिएगा, सन की तरफ रेनबो नहीं बनता सर, अपोजिट टू सन बनता है ना। डायरेक्शन ऑफ रेनबो का क्या होती है बच्चों, अपोजिट टू सन बनता है ना। बारिश हुई हो और सन उस वक्त होना चाहिए बच्चों, है ना, लाइट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, अगर लाइट होगी तभी तो रेनबो बनेगा। उस वक्त जो रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सपोज यहां से क्या हुआ बच्चों, व्हाइट लाइट आई, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। ये कौन सी लाइट है बच्चों, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स होते हैं, हम ये जानते हैं। व्हाइट लाइट में सेवन कलर्स होते हैं, क्या हम ये जानते हैं बच्चों, हाँ सर जानते हैं। अब अभी मैं एक ही लाइट लेके चल रहा हूँ, बट ये सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ये जो बूंद है पानी की ड्रॉप है, ये किसकी तरह काम करेगी बच्चों, एक प्रिज्म की तरह काम करेगी, यानी एक व्हाइट लाइट को ये सेवन डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देगी बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों बात, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। अच्छा ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है बताओ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल, सर टुवर्ड द नॉर्मल होती है सर, है ना, ये टुवर्ड द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको रेनबो दिखने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि सर ये लाइट सीधी ना निकलकर वापस से इसी में से होकर आए। इट मीन्स सर क्या हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही हो, ठीक है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही हो, तब जो इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तभी वो लाइट रे वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ये चीजें हमें समझ में आ रही है बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। हमें हमने ये पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि सर जो क्रिटिकल एंगल है, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तभी क्या होगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, हाँ या ना, क्या लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, हाँ सर। अगर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया बच्चों, तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, हाँ सर। अगर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो देखिए ये वापस से इसी मीडियम में आ गई, हाँ। अब क्या होना चाहिए बच्चों, अब वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होना चाहिए। अब ये लाइट रे यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर सन है हमारा, सन से लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे हमारे पास पहुंचनी चाहिए ना बच्चों, तभी तो हमें यहाँ पर ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या दिखेगा बच्चों, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाएगी बच्चों, रेनबो बनाएगी, क्लियर है। यहाँ पर ये लाइट रे आएगी, अब क्या होगा बच्चों, बता सकते हो क्या तुम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल है तो डेंसर से जब रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना था सर ऐसे, और गई कैसे सर ऐसे, ठीक है, क्या दिख रहा है क्या हमें, चलो एक बार अच्छी तरह बनाते हैं इसको, ये क्या हुआ बच्चों, इसका नॉर्मल हुआ, जाना था सर इसको ऐसे लेकिन ये गई ऐसे इस तरह, तो आपको यहाँ पर ये रेस आपकी आंखों में जाएगी और दिख जाएगी, ठीक है।
अब जो ये रेस दिखेगी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखेगी सर, रेड ब्लू वही विबग्योर वाला कलर ही दिखेगा सर, याद रखना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये इसी कंडीशन में होता है सर। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी सर, ठीक है, ये याद रखेगा। सबसे पहले कौन सा कलर दिखेगा सर? सबसे पहले कलर दिखेगा सर रेड कलर। कौन सा कलर दिखेगा बच्चों? रेड कलर। उसके बाद ये विबग्योर वाले, कौन सा? ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, हो गए क्या? हाँ सर, ठीक है। इस कंडीशन में तो सबसे ज्यादा एंगल कौन बनाएगा सर? रेड कलर। कितना? यहाँ से 43 डिग्री। कहाँ से सर? ये वाला एंगल, ठीक है, 43। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ सर, 43 डिग्री एंगल किसका होगा सर? रेड का। और 41 डिग्री एंगल किसका होगा सर? वॉयलेट का, ठीक है क्या बच्चों? ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। तो दो बार रिफ्रेक्शन, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, ये चाहिए हमें एक रेनबो फॉर्म करने के लिए, क्लियर? चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, बताइए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से होता है बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड। क्या हमने ये पढ़ा था बच्चों? तारों का टिमटिमाना किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये अर्थ की अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर्स पर डिपेंड करता है, हाँ या ना? उनके अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं सर। कैसे सर? कुछ इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर हम कर रहे थे, चांदनी रात हो रही थी बच्चों, है ना, चांद सी बाहों मेरी कब, ये हमारी अर्थ, इसकी अलग अलग लेयर्स होती है ना बच्चों, यहाँ से इस पर आई रे, फिर रिफ्रेक्ट हुई, फिर रिफ्रेक्ट हुई और फिर हमारी आंखों में गई। यहाँ पर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, तो बच्चों कभी दिखता है तारा, कभी नहीं दिखता, ठीक है, कभी फेंट हो जाता है, मतलब डिम पड़ जाती है लाइट, कभी ब्राइट हो जाता है। तो हमें कैसा दिखेगा बच्चों? जो ये स्टार होगा ये कैसा दिखेगा बच्चों? चमकता हुआ दिखेगा, है ना, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसका आंसर क्या है? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस। चलिए आइए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ऑफ स्टार्स। किस पर डिपेंड हुआ बच्चों? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्या विजिबल है क्या? दीज लाइट्स ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रेक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर बिफोर इट रीचेज द अर्थ। क्या चेंज होता रहता है बच्चों? ये है ना, ठीक है, अलग अलग लेयर्स का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या अलग अलग होगा बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल अलग अलग होगा। द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, क्या जितनी दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिखाएगा सर, रिफ्रेक्शन होगा उसका। हाँ सर, अलग अलग लेयर्स मिलेगी ना उसको बीच में, जो जितना दूर होगा उसके बीच में उतनी ही लेयर्स होगी अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो हम ये देखेंगे वहाँ पर कौन सा फिनोमेना फॉलो होगा लाइट का, सर रिफ्रेक्शन फॉलो होगा, क्लियर है क्या? द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स फ्लक्चुएशन एंड द अमाउंट ऑफ स्टार्स लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, जो स्टार से लाइट आ रही है हमारी आंखों में वो कैसी दिखेगी सर? फ्लकर करती हुई, है ना, फ्लकरिंग होगी उसकी, ठीक है। द स्टार्स समटाइम्स अपियर ब्राइट एंड समटाइम्स अपियर द फेंटर, कभी कभी वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, कभी कभी वो फेंट फीका दिखेगा, गिव्स अस द ट्विंकलिंग इफेक्ट, यही हमें क्या देता है बच्चों? ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, एक दिन आप वो पाएंगे जो आप चाहते हैं बच्चों, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द ऑफ द फॉलोइंग पासिंग रिलेटेड स्टडी कंसेप्ट, द ह्यूमन आई हैज अ कवरिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस सॉरी, क्या हम ये बता सकते हैं सर कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है जो कन्वर्ज कर रहे लाइट रेस को? कौन सा सर? कॉन्वेक्स, हाँ या ना,
क्लियर है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा, लेंस की बात कर रहा है बच्चों, लेंस याद रखना। क्या हमने कन्वर्जिंग लेंस इस तरह पढ़ा है क्या बच्चों कि लाइट रे आई और एक जगह कन्वर्ज हो गई, हाँ या ना बताइए। दैट प्रोड्यूस एन इमेज जस्ट लाइक अ कैमरा, ठीक है। जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किसकी तरह होता है बच्चों, एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, और वो कन्वर्ज कर देता है जस्ट लाइक अ कैमरा। एक कैमरे की तरह हमारी आंखें काम करती है बच्चों। क्या कितने मेगापिक्सल की आंखें होती है हमारी, कोई बता सकता है क्या? जैसे अभी मोबाइल्स में मेगापिक्सल आते हैं ना, 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है ये ब्रांड, ठीक है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा है ये ब्रांड। क्या हमारी आंखों में भी मेगापिक्सल है? हाँ सर। कितना है? 542 मेगापिक्सल। कितना बच्चों? 542 मेगापिक्सल की आंखें हैं आपकी, है ना। ये कैमरे की तरह काम करते हैं बच्चों। 542 मेगापिक्सल का कैमरा ऊपर वाले ने आपको लगा के दिया हुआ है, और आप 16 मेगापिक्सल पर ही हो अभी तक यार, ठीक है। इफ द आई व्यू इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ठीक है। अगर कहीं दूर बैठा आदमी को हम देखें, ठीक है, तो कैसे ही इमेज बनेगी बच्चों? रियल बनेगी क्या? इन्वर्टेड बनेगी। यस सर, जो इमेज इन्वर्टेड होती है वही तो रियल होती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड है, जो इन्वर्टेड है वो रियल है, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट है, हाँ या ना। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, एंड इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। इमेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू वियर ग्लासेस, यू सी द इमेज ऑन द ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। द इमेज यू सी आर अपराइट, कैसी है बच्चों? अपराइट। एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस द ऑब्जेक्ट, देयर फॉर द इमेज हैज टू बी विद इन योर रेंज ऑफ क्लियर विजन, इट मीन्स बिटवीन योर नियर पॉइंट। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज एन अनएडेड नियर पॉइंट इज 0.6 meter. If they need converging lens in their glasses to make them able to see clearly an object that is only 25 centimeters from their eyes. ये एक statement दे रखा है बच्चों, question अभी start हुआ। Write the nature of the size of the image produced in human eye when it views a distinct object. अगर एक दूर बैठे आदमी को हम हमारी आंखों से देख रहे हैं तो कैसी इमेज बनेगी बताइए, और इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी बच्चों, ये भी हम जानते हैं, हाँ सर। तो जब ह्यूमन आई से कैसी इमेज बनती है, क्या ह्यूमन आई से रियल इमेज बनती है बच्चों? हाँ सर। कैसी इमेज बनती है सर? रियल इमेज बनती है, ठीक है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, हाँ यहाँ, और डिस्टिंक्ट सॉरी डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है। तो कैसी इमेज बनती है बच्चों? द इमेज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन आई विल बी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। साइज में कैसी होगी बच्चों? छोटी इमेज होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, इफ द नियर पॉइंट ऑफ एन आई हैज बीन शिफ्टेड टू 80 सेंटीमीटर, अगर नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों हमने? 80 सेंटीमीटर पर शिफ्ट कर दिया। द पर्सन मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम सम रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट ऑफ आई, ठीक है। अगर मैंने नियर पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों? 80 सेंटीमीटर पर शिफ्ट कर दिया। कहाँ से? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना होता है बच्चों हमारी आंखों का? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों? 80 सेंटीमीटर पर कर दिया। नेम द डिफेक्ट एंड द कॉज ऑफ द डिफेक्ट, बताइए। 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर मैं 80 सेंटीमीटर पर ले गया अपना नियर पॉइंट, इट मीन्स एक आदमी है जिसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है 80 सेंटीमीटर पर। अगर वो नॉर्मल होता तो उसका नियर पॉइंट कहाँ होता बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर। बट अभी जो आदमी है उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है 80 सेंटीमीटर पर, बताइए कौन सा डिफेक्ट होगा उसमें? सर उसको डिफेक्ट होगा सर कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, यानी पास का नहीं दिख रहा है सर, उसका नियर पॉइंट है वो खिसक के आगे चल गया। दूर का तो क्लियर दिख रहा है सर, डिस्टिंक्ट विजन तो क्लियर है उसका, इट मीन्स फार साइडनेस हो गया उसको, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है सर, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। जो नियर पॉइंट था वो खिसक कर दूर हो गया। अब जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है बच्चों? रेटिना के पीछे बन रही है, समझ में आई बात? अब अगर बिना कोई मैं कोई लेंस के अगर मैं देखूँ तो उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस बन रही है, उस आदमी की आंखों में जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, इसलिए उसका जो नियर पॉइंट है वो खिसक के थोड़ा पीछे चला गया, क्लियर। बट दूर की अगर इमेज की बात करें तो वो रेटिना पर ही बन रही है, ठीक है। तो वो कौन से डिफेक्ट है उसके, आदमी को कौन सा डिफेक्ट है बच्चों?
आदमी को डिफेक्ट है सर? हाइपरमेट्रोपिया। कैसे ठीक करेंगे सर? कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। हाइपरमेट्रोपिया बिकॉज द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्टेड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। क्या 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट होकर 80 सेंटीमीटर चल गया? इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। क्या उसकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही? मैंने यही बोला अभी आपको किस्सा, हाँ उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है सर, बिहाइंड द रेटिना। द केस ऑफ दिस डिफेक्ट इज लो कवरिंग पावर। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो आई लेंस है उसकी पावर कैसी हो गई बच्चों? लो हो गई, यानी वो इतना कन्वर्ज नहीं कर पा रहा बच्चों, ठीक है, लाइट को इतना कन्वर्ज नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए था। सॉरी, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, या ये भी कह सकते हैं कि सर आई बॉल शॉर्ट हो गया। कैसे सर? दिखाइए आप सर, ये देखिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, ये हमारा लेंस है, ठीक है। पहले जब नॉर्मल आई थी तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर था सर, यहाँ से रे आ रही थी और ये एकदम कन्वर्ज करती है सर, कहाँ पर? रेटिना पर, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या देखा सर? ये देखो, थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। अब ये लेंस कैसा हो गया सर? लो कवरिंग पावर वाला हो गया, यानी ऊपर से किनारों बड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा 25 सेंटीमीटर वाला है, तो ये देखिए ये जो इमेज बनेगी, अब इमेज कहाँ बन रही है सर? यहाँ बन रही है रेटिना के पीछे, ठीक है। बट ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं 80 सेंटीमीटर ले लूँ तो 80 सेंटीमीटर, एक्चुअली पेन चेंज करेंगे सर ताकि क्लियर दिखे। ये 80 सेंटीमीटर हमने नियर पॉइंट लिया, ये कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चों? 80 सेंटीमीटर। तो अब जो डिस्टेंस, जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है बच्चों? अब जो इमेज बन रही है ये देखो कहाँ बन रही है? रेटिना पर बन रही है। एक रीजन तो ये हो सकता है कि सर जो ये कन्वर्जिंग लेंस है इसकी पावर कम हो गई है, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है सर? सेकंड केस हो सकता है कि सर, हो सकता है कि सर लेंस वही हो, है ना, लेंस की पावर कम ना हुई हो। ये जो 80 सेंटीमीटर है ना, इसकी तो इमेज सर यहीं बन रही है, बट हो सकता है सर 25 सेंटीमीटर वाले की इमेज इसलिए पीछे बन रही है सर, कि आई बॉल का साइज ही क्या हो गया हो बच्चों? कम हो गया हो। पहले आई बॉल इतना था सर, हमारा आई बॉल इतना था, अब आई बॉल इतना ले गया हो, समझ गए? आई बॉल का साइज क्या हो गया हो बच्चों? कम हो गया हो, या फिर हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी पावर क्या हो गई हो बच्चों? कम हो गई है। दोनों केस में कौन सा ये डिफेक्ट है बच्चों? इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमायोपिया, मेट्रोपिया नहीं, वहाँ भी मेट्रोपिया लिख रखा है क्या? हाइपरमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमायोपिया नहीं सर, हाइपरमेट्रोपिया ही होता है ना, देख लीजिएगा। इसको हम या तो बोलेंगे फार साइडनेस, क्लियर है क्या? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू करेक्ट द विजन, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं क्या बच्चों? हाँ सर। इन ऑर्डर टू करेक्ट द विजन अबाउट द कंडीशन विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी द पर्सन यूज्ड इन हिज स्पेक्टिकल। कैसे करेक्ट करेंगे सर? हम एक ऐसा लेंस लगा दे जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो सर, है ना, यानी मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि सर इसके सामने एक ऐसा लेंस लगा दे जो 80 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर को और कन्वर्ट करके भेजे। यहाँ पर अगर मैं एक लेंस लगा दूँ जो यहाँ पर कन्वर्ट करके भेजे, और ये भी इमेज कहाँ बनाएगा बच्चों? रेटिना पर बनाएगा, ठीक है। तो कौन सा लेंस होगा? वो कॉन्वेक्स लेंस होगा बच्चों, याद है, क्लियर है क्या? हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा, फार साइडनेस को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जबकि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज द करेक्ट आंसर।
इफ द पर्सन सफर फ्रॉम द लॉन्ग साइटेडनेस, ये कौन सा डिफेक्ट है सर? सर ये लॉन्ग साइटेडनेस यानी फार साइटेडनेस, बताओ। ये भी सर यही है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाँ या ना। देन द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग स्पेक्टिकल ऑफ पावर, बताइए। आपको पावर दे रखी है सर 1D, क्या मैं पावर को 1/f लिख सकते हैं? हाँ सर, तो यहाँ से फोकस निकाल सकते हैं क्या 1/p? हाँ सर निकाल तो सकते हैं सर, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100/p, ये किस में आ गया बच्चों, सेंटीमीटर में। पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी की वैल्यू 1 डायमीटर है और ये सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1/100, क्लियर है क्या बच्चों बात? ये देखिए, क्या हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1/V - 1/U = 1/F, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अलग होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला अलग होता है, याद रखिएगा। ये हमारा लेंस फॉर्मूला, नियर डिस्टेंस कितनी होती है सर 25 सेंटीमीटर, और इस तरफ होगी इसलिए -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये V उस तरफ भेजिए 1/100 माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो इस तरफ जाएगा वापस से माइनस, 1/V = 100, मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, यहाँ पे 1 - 4, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि -3/100, ठीक है। तो V = कितना आ गया बच्चों, 100/3 माइनस का, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -33.33 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पर हमें हमारी इमेज मिलेगी सर, क्लियर है क्या? अच्छे, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सर इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ ही मिलेगी, ठीक है। हमने सेंटीमीटर में निकाला है बच्चों, ठीक है, 33.33 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या बात? कोई डाउट? मिरर फॉर लेंस फॉर्मूला लगाया सर, लेंस फॉर्मूले से हमने वी की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फिनोमेनन इन द लैब एज वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म अमंग मेनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट, वॉट इज द फिनोमेनन कॉल्ड, वॉट इज द रीजन फॉर द वॉयलेट लाइट बेंड टूवर्ड मोर देन द रेड लाइट। ये बोल रहा है बच्चों कि अगर एक वाइट लाइट हम प्रिज्म पर गिराए तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डेविएट हो जाती है, हाँ या ना, टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, वो क्यों होती है, क्या रीज़न है सर उसके पीछे का, एक तो ये पूछ रहा है बच्चों, और सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट ही क्यों डेविएट होती है, सबसे कम रेड लाइट ही क्यों डेविएट होती है, ये पूछ रहा है बच्चों। क्या हमने कल डिस्पर्जन पढ़ा था, प्रिज्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था सर, हाँ या ना, हाँ या ना, ये बताइए। इस तरह का हमने प्रिज्म बनाया था बच्चों, ये क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म था सर, यहाँ से एक वाइट लाइट आई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, बेस की तरफ मुड़ती है 7 डिफरेंट कलर्स में, यहाँ से नहीं सर, वो तो यहाँ से ही डेविएट हो जाती है, कैसे बताया सर, इस तरह, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इसको बोलते हैं सर रेड कलर और इसको बोलते हैं वॉयलेट कलर, ठीक है। क्यों डेविएट हुई सर, इसको बोलते हैं सर डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, क्या बोलते हैं बच्चों, एक वाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाना, ये क्या कहलाता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। हमने कल पढ़ा था बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, हाँ या ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन था, एंगल ऑफ इमरजेंस भी हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, द फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन, क्या कहलाता है ये फिनोमेनन, क्या कहलाता है बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, which is defined as the splitting of white light into its constituent color, कौन कौन से कलर्स में टूट रहे थे बच्चों, 7 डिफरेंट कलर्स में, क्या नाम था, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हाँ या ना। When it passes through a prism, जब भी ये पास किससे पास होती है बच्चों, एक प्रिज्म से पास होती है, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है इसके, जिसको हमने एक फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को हमने नाम दिया बच्चों क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्लियर है क्या। रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था क्या बच्चों,
कल मैंने बताया था आपको विबग्योर, हाँ है ना, इसको लेफ्ट टू राइट जाने पर जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब इधर ध्यान दीजिएगा सर, वेवलेंथ अगर बढ़ी है ना, वेवलेंथ अगर इंक्रीज हुई तो मैं कह सकता हूँ बच्चों स्पीड इंक्रीज हुई या वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ना, ये भी इंक्रीज होगी। एंड वी क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी है ना, वी बढ़ेगा तो क्या म्यू कम होगा क्या, हाँ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, है ना, अगर वी बढ़ेगा तो क्या म्यू कम होगा, हाँ सर, जिसका जितना, ये क्या बताता बच्चों, डेविएशन बताता है, क्या बताता है बच्चों, डेविएशन बताता है कि लाइट कितना डेविएट हो सकती है, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा क्या वो उतनी कम डेविएट, हाँ स्पीड ज्यादा होने से मतलब क्या है सर, स्पीड ज्यादा होने से मतलब है सर उसकी वेवलेंथ ज्यादा, हाँ या ना, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा है सर, स्पीड ज्यादा है तो उसका डेविएशन कम है, हाँ तीनों में रिलेशन हम समझ पाए क्या बच्चों, वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन म्यू, ठीक है, अगर v बढ़ेगा तो क्या म्यू कम होगा क्या, और v कब बढ़ेगा जब लेमडा बढ़ेगा बच्चों, लेमडा किसका सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी बच्चों, रेड की, अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो v भी सबसे ज्यादा होगा और डेविएशन सबसे कम होगा, इसलिए ये ऊपर इतना सा डेविएट होगी बच्चों, जबकि हम ये देख पा रहे हैं कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई, क्यों, क्योंकि इसका जो लेमडा था वेवलेंथ थी वो कम थी जिसके कारण इसकी स्पीड कम हुई और इसका जो डेविएशन है वो ज्यादा हुआ, क्या हमें ये चीज समझ में आई बच्चों, क्यों रेड लाइट सबसे कम डेविएट हुई, क्यों वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई, क्लियर है, चलिए क्या कहता है आगे, रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द वॉयलेट लाइट हैज द मिनिमम वेवलेंथ, कौन सी, रेड लाइट की तो मैक्सिमम वेवलेंथ है जबकि वॉयलेट लाइट की मिनिमम वेवलेंथ है, क्लियर है, एज वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, वेवलेंथ क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, स्पीड से, अगर वेवलेंथ बढ़ी तो स्पीड बढ़ी, क्या हमने v इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों, सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, रेड लाइट सबसे तेज चलेगी कि नहीं चलेगी बच्चों, एंड डेविएट लीस्ट सबसे कम डेविएट होगी, व्हाइल वॉयलेट लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट एंड डेविएट मोस्ट, ठीक है, वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, हाँ या ना, क्लियर है, चलिए, अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टेकल्स ऑफ फोकल लेंथ माइनस 2.5 मीटर, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही सफरिंग फ्रॉम, बताइए आपको केवल फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि उसको कौन सा डिफेक्ट है आईज में, क्या हम बता सकते हैं क्या सर, हाँ सर, पहले तो ये बताइए सर क्या फोकल लेंथ नेगेटिव है, हाँ सर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इट मीन्स उसको हम ये बोल सकते हैं कि नियर साइडनेस है ना, हाँ है ना, हाँ सर, इसको है सर मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, क्लियर, इस बच्चे को क्या है बच्चों, पास का तो क्लियर दिख रहा है बट दूर का क्लियर नहीं दिख रहा, डिस्टेंट विजन क्लियर नहीं है इसका, है ना, नियर नियर पॉइंट जो है इसका वो एकदम क्लियर है सर, वो कितना होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर, जबकि दूर का डिस्टेंस कितना है सर, इनफाइनाइट था, वो क्लियर नहीं है, इसको दूर का विजिबल नहीं है क्लियरली, पास का तो क्लियरली विजिबल है, फोकल लेंथ ये समझ में आया सर, इसकी पावर कैसी होगी सर, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ सर पावर, पावर भी कैसी होगी बच्चों, पावर नेगेटिव होगी, क्लियर है क्या, चलिए इसकी पावर देखे क्या एक बार, आइए P इज इकल टू 1/f होता है सर, हाँ सर होता है, तो 1/-2.5, ये एक जीरो ऊपर गई, ये कितना आ गया बच्चों -10/25 2.5 कितना आ गया 0.4 डायप्टर, है ना, पावर की यूनिट क्या है बच्चों डायप्टर, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेगेटिव पावर है, इट मीन्स नेगेटिव पावर का क्या है बच्चों चश्मा है, नेगेटिव पावर का चश्मा किन बच्चों को होता है जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, हाँ या ना, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, नेम ऑफ द डिफेक्ट कंप्लीट हुआ सर, मायोपिया है उसको,
ठीक है, विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, कौन सा ऐसा लेंस है जिसको यूज कर कर इस डिफेक्ट को सही किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। क्या हमने एक चीज पढ़ी है बच्चों, कॉनकेव लेंस क्या करेगा बच्चों ये? अच्छा ये बताओ मायोपिया हुआ क्यों होगा बच्चों? दो रीजन है हमारे पास मायोपिया होने के, एक तो दो रीजन है हमारे पास मायोपिया होने के, एक तो इस लेंस की कन्वर्जेंस पावर बढ़ गई हो, मैंने क्या बोला, एक तो अपने जो आई लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई हो, या सेकंड रीजन ये हो सकता है सर कि जो हमारा आई बॉल का साइज है ना वो क्या हो गया हो, कम या ज्यादा? सर ज्यादा हो गया, क्या हो गया हो, बड़ा हो गया हो। ठीक है, दो रीजन है, या तो हमारे आई बॉल का साइज बड़ा हो गया जिससे जो कन्वर्ज होकर रेज रेटिना पर मिल रही थी वो पहले ही मिल जा रही है ना, या सेकंड में ये कह सकता हूँ कि सर जो मेरे आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, इट मींस पहले ये कन्वर्ज कर रहा था सर रेटिना पर, अब ये पहले ही कन्वर्ज कर देता है सर। क्लियर हुई कि नहीं बात? हाँ सर। तो हम यहाँ पर ऐसा लेंस लगाए जो इसको डेविएट करके भेजे चीजों को, ठीक है, उस वक्त हम लेंस लगाएंगे सर कौन सा, ये देखो, अब ये जब कन्वर्ज करेगा तो कहां पर बन जाएगी बच्चों हमारी इमेज, हमारे रेटिना पर। ठीक है, क्या ये कौन सा लेंस है बच्चों जिसका यूज किया हमने, इसको बोलेंगे बच्चों कॉनकेव लेंस, है ना। तो याद रखना बच्चों जिनको दूर का दिखाई नहीं देता उनके कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस लगता है ना, आंखों का करेक्शन करने के लिए, है ना। चलिए क्या ये सही, क्या हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे यहाँ पर। लिस्ट द टू मेन कॉजेस डेवलपिंग दिस डिफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कोस कौन कौन से है सर, पहला कोस तो क्या है सर कि हमारे लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो इंक्रीज हो गई हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत पहले ही कन्वर्ज कर रहा है बच्चों रेस को, ठीक है। सेकंड कोस क्या हो सकता है बच्चों, सेकंड कोस ये हो सकता है कि सर जो हमारे आई बॉल ना इसका साइज क्या हो गया हो बच्चों, इंक्रीज हो गया हो, इंक्रीज होने से साइज तो इंक्रीज हो गया बट जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो उतनी है सर, वो वहीं पर ही अभी भी कन्वर्ज कर रहा है, समझ गए बात को, तो इस कारण से जो मेरे को डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा। तो दो लिस्ट मैंने आपको बताई, दो कोज आपको बताया कि सर एक तो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया हो, ठीक है, आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया हो, या हमारे लेंस आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया, क्लियर है क्या, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई हो या फिर आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया हो, ये दो कॉज है किसके, मायोपिया के। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस टू द नॉर्मल ह्यूमन आई व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर टू 1 मीटर, जस्टिफाई योर आंसर, फिर से पढ़िए, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस, क्या होगा इमेज की डिस्टेंस के साथ, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहा है, व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर टू 1 मीटर, एक ऑब्जेक्ट है सर 10 मीटर पर रखा हुआ है, उसकी डिस्टेंस अगर हमने घटाकर 1 मीटर कर दी तो अब ह्यूमन आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताइए। सिर्फ हमारी आई के अंदर जो हमारा लेंस है वो कैसा होता है बच्चों, एडजस्टेबल होता है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है कि नहीं करता बच्चों, हाँ, तो उसकी जो इमेज है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, द इमेज डिस्टेंस, जो इमेज की डिस्टेंस रहेगी वो बच्चों कैसी रहेगी, रिमेंस द सेम बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई ग्रेजुअली चेंजेस टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है, हमारी जो आई है उसके अंदर जो लेंस है वो ऑटोमेटिकली कैसा है, सेल्फ एडजस्टेबल, कभी बड़ा हो जाता कभी छोटा हो जाता, और वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर बच्चों, रेटिना पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट
उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है बच्चों हमारे रेटिना पर। क्लियर है क्या? जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा तो वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा और उसकी इमेज बनाएगा रेटिना पर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, इमेज डिस्टेंस पर। इमेज डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है बच्चों, ठीक है, एडजस्टेबल होता है बच्चों हमारा लेंस। हाँ सर। लिस्ट द टू मेन कॉज पर्सन डेवलपिंग नियर साइटेडनेस, शो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो हम जो ठान ले वो करके रहेंगे, ये बात याद रखना बच्चों। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। एक बार जो हमने ठान लिया कि सर 10th क्लास में तो मैं टॉप करके दिखाऊंगा सर, बस टॉप करके दिखाना भाई, है ना। चलिए आइए, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो नियर साइटनेस को डेवलप करेगा बच्चों, बताओ, कॉज बताना है। कॉज अभी मैंने बताया सर, नियर साइट, नियर साइटेडनेस, क्या इसको मैं एक और नाम से जानता हूं, जो है क्या सर, मायोपिया। नाम पर मत जाना, क्या बोल रहा है बच्चों, नियर साइटेडनेस क्या कहता है बच्चों, कि सर हमें पास की चीजें, पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखता है, बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, दूर की बात करूं, कहीं बहुत दूर की बात करूं, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता। उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मायोपिया, नियर साइटेडनेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं या फिर मायोपिया बोलते हैं। इसमें पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर है सर, बट दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। हाँ, है ना। ठीक है, तो चलिए इसको करेक्ट कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया सर, करेक्ट कैसे करेंगे सर, बताइए करेक्ट किस तरह करेंगे। इसके दो कोर्स क्या बताया बच्चों मैंने, एक तो हमारी जो आई है उसकी कन्वर्जिंग पावर, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई हो, जिसके कारण जो रेज रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही थी वो पहले ही इंटरसेक्ट कर जाती है, जिसके कारण जो रेटिना पर इमेज बननी थी वो पहले बन जाती है। ठीक है, सेकेंड जो हमारी आई बॉल का साइज है बच्चों वो इंक्रीज हो गया। क्या बोला मैं, जो हमारी आई बॉल का साइज है वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स सर अभी भी रेस तो वहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, बट रेटिना का साइज इंक्रीज होने के कारण वो पीछे चल गया हमारा रेटिना, इस तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो कोज बताया मैंने आपको सर। ठीक है, एक तो रेटिना का साइज बढ़ सकता, आई बॉल का साइज बढ़ सकता है, सेकंड हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, अगर मैं एक ह्यूमन आई की बात करूं, है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, याद रखना, जब ये नॉर्मल आई है तो ये देखिए इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या है बच्चों हमारा रेटिना, ये क्या है, नॉर्मल आई, ठीक है ना, नॉर्मल आई है हमारी। अच्छा, डिफेक्टेड आई कैसी होगी सर, डिफेक्टेड आई कैसी होगी सर, ऐसी होगी। डिफेक्टेड आई, ठीक है, रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट कर गई, दो कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो लेंस की पावर बढ़ गई सर आपके, है ना, या आई बॉल का साइज बढ़ गया, दो कंडीशन हो सकती है इस डिफेक्ट के लिए। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे सर, यहाँ पर कुछ ऐसा लेंस लगा दे कि सर ये कन्वर्ज कर कर भेजे इस रेज को, कैसे सर, ठीक है। अब अगर मैं इसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दूं, तो जब जो रेज आ रही थी वो पहले से ही डाइवर्ज हो गई, है ना,
अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनने वाली है बच्चों? हमारे रेटिना पर। क्लियर है क्या? क्या हमें दिख रहा है क्या बच्चों? है ना, यहां से जो रेज आई वो डाइवर्ज हो गई पहले ही। अब डाइवर्ज हो गई तो कहां पर इमेज बनेगी बच्चों? रेटिना पर। ठीक है, ये कौन सा लेंस है सर? इस लेंस को हम बोलेंगे सर कॉनकेव लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं हम मायोपिक आई के लिए। ठीक है, मायोपिया ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं बच्चों? कॉनकेव लेंस का। क्लियर है क्या बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है। व्हाइट विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम शो द पाथ फॉलोइंग बाय अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगी बच्चों? ये 7 डिफरेंट कलर में डेविएट हो जाएगी। मैंने आपको बताया व्हेन व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, 7 अलग अलग कलर्स में ये क्या हो जाएगी बच्चों? डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि इसके ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों? डेविएट हो जाएगी, है ना। स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर और इट, हम ये कह सकते हैं कि सर ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी? ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, कैसे सर? एक बार बता दो। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म एंगल होता है सर, बता रखा है आपको, बहुत बार बताया सर। ठीक है, ये देखिए एक वाइट लाइट आई, इस तरह ये रेड लाइट और ये वॉयलेट लाइट, ठीक है, इस तरह होती है। बट अगर मैं एक लाइट दिखाना चाहूँ, एक रे के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, तो ये इस तरह जाना, इसको ऐसे था, बट अगर प्रिज्म लगा दिया तो ये जाया कैसे रही है बच्चों? फाइनली इस तरह जा रही है। हाँ या ना? तो ये ओरिजिनल पाथ से ये क्या हो गया बच्चों? डेविएट हो गई ना बच्चों। हाँ या ना? यहाँ से और डेविएट होगी। क्लियर? चलिए, वॉट वुड हैपन इफ बीम इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। अगर वाइट लाइट से उस नैरो बीम, एक क्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक कलर, मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक मीन्स कलर। यहाँ पर जो था बच्चों, यहाँ पर क्या दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर देखो ऐसा नहीं होता वैसे एकदम। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ क्लियरली, ठीक है, मैंने तो रफ डायग्राम बनाया, बट अगर मैं क्लियर डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो ये है प्रिज्म एंगल, ठीक है, कोई भी एक लाइट रे मान लेते हैं, ब्लू कलर की मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्लू कलर की लाइट रे आई, एक कलर की लाइट है बच्चों ये, है ना, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इस तरह और यहाँ से फिर, तो ये जाना सर इसको ऐसे था और गई कैसे सर? ऐसे, फाइनली तो ऐसे गई ना। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल से क्या हो गई बच्चों? डेविएट हो गई। जाना तो ऐसे था सर, गई कैसे? ऐसे। तो किस एंगल से डेविएट हो गई? ये वाले एंगल से, ये बता रहा है।
मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक कलर की लाइट थी, अब ये कह रहा है कि बच्चों इस बीम को अगर हम रिप्लेस्ड कर दें एक वाइट लाइट से, तो क्या ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी क्या सर? हाँ सर, प्रिज्म का काम यही तो है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्जन बोलते हैं। व्हेन अ वाइट लाइट पासस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट आउट इन अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स कौन कौन से हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ या ना, वापस से इस तरफ जाने पर क्या होता है जो इसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है। चलिए एक बार मैं नाम लिख देता हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है बच्चों, ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। व्हाट इज रेनबो, क्या हमने कर रेनबो के बारे में डिटेल में पढ़ा था बच्चों, है ना, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शो दैट द रेनबो फॉर्मेशन, आपको बताना है। क्या हमने कुछ इस तरह वाटर की ड्रॉपलेट्स बनाई थी बच्चों? हाँ सर, बनाई थी ना, क्या बात है सर, है ना, यहाँ से मैंने एक वाइट लाइट एंटर करवाई थी, सन से लाइट आती हुई, है ना, हाँ सर, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ था, फिर आपने बोला था सर कि सर अगर आपको ये वाइट लाइट आपकी आंखों में चाहिए, आप कहाँ पर खड़े हो सर? यहाँ पर खड़े हो आप, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे यहाँ खड़े हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है, ये 2 बाल भी ले लो, आपके 3 बाल ले लेता, ठीक है, यहाँ पर हमारे कौन है सन, यहाँ से लाइट आ रही थी, ठीक है। अब अगर ये लाइट सीधी निकल जाती रिफ्लेक्ट होकर, तो क्या हमें रेनबो दिखता सर? नहीं सर, इसको वापस आना पड़ेगा, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे सर, वो वाली बात है, तो ये यहाँ से वापस इस तरफ आएगी बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है क्या? यहाँ से हम देखेंगे सर ये वाला फिनोमिनन कौन सा हुआ, पहले तो हमने देखा सर रिफ्रेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद सर क्या हुआ, उसके बाद हुआ सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब दो केस होते हैं बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, कि रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करनी चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए बच्चों, क्लियर, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है सर, और हम ये जानते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स और बाहर क्या एयर, तो डेंसर से रेयरर जा रही थी और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था इंसिडेंट एंगल, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। सेकेंड टाइम जब यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब यहाँ होगा सर, क्या होगा, टेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी सर, इसको जाना ऐसे था सर और आएगी ऐसे, क्लियर है, तो ये रे दिखेगी अलग अलग कलर्स की दिखेगी सर, है ना, क्यों अलग अलग, ये किसकी तरह काम करेगी, वाटर ड्रॉप किसकी तरह काम कर रही है सर, ये प्रिज्म की तरह काम करेगी सर, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम करेगी बच्चों, एक प्रिज्म की तरह काम करेगी, और यहाँ से हमें 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट दिखेगी सर, वाइट लाइट है, वाइट लाइट का डिस्पर्जन होगा, ठीक है, 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो जाएगी बच्चों, स्प्लिट हो जाएगी, कौन कौन से सर, वही विब ग्योर, इसलिए तो, और रेड लाइट का मैंने आपको एंगल बताया था सर, रेड लाइट कौन से एंगल पर दिखती है सर, रेड लाइट दिखती है 43, और वायलेट लाइट के वायलेट कलर के बीच में एंगल होता है सर 41, तो सबसे नीचे कौन से दिखेगी, नहीं सर, सबसे ऊपर कौन से दिखेगी, रेड वाली, है ना, जिसका एंगल ज़्यादा वो ऊपर और जिसका एंगल कम वो नीचे, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है सर, रेड कलर, ठीक है, तो इस तरह होगा सर, ये रेड कलर, फिर नीचे वायलेट कलर, इसके बीच में 7 अलग अलग कलर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और ये रेड, फिर ग्योर यहाँ पर जमा सकते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई क्या बच्चों, बताओ क्या हम विबग्योर के फॉर्म में जमा सकते हैं, मैंने आपको एंगल भी बताया, क्यों एंगल कम ज़्यादा हो रहा है वो भी बताया बच्चों, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी बताया। चलिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट,
आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर, कौन सा डिफेक्ट है सर, क्या हमें ये दिख रहा है सर कि लाइट रे कहाँ से आ रही है सर, इन्फिनिट से आ रही है और पहले ही रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है बच्चों, इंटरसेक्ट हो जाती है, क्या ये अभी हमने पढ़ा सर मायोपिक आई है, इट मीन्स मायोपिया है सर इसको, हाँ या ना, इसको इंटरसेक्ट होना था रेटिना पर बट रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट हो गई सर आई बोल से, है ना। तो यहाँ पर डिफेक्ट कौन सा है सर, हम बोल सकते हैं सर इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, या हम बोलते हैं सर इसको मायोपिया, हाँ या ना, मायोपिया इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं सर और नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। लिस्ट इज टू कोस, दो कोस वही सर, एक तो इसकी कन्वर्जिंग, देख रहे हो आप कितना मोटा हो गया बच्चे लेंस, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, यानी दूसरा आने वाली रेस को पहले ही कन्वर्ट कर देता है ये, या अगर कन्वर्जिंग पावर नहीं बढ़ी है तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इसके जो आईबॉल का साइज है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो कोर्स मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड करेक्शन अभी बताया था सर, हम इसके आगे क्या कर देंगे, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे जिससे आने वाली रेस क्या हो जाएगी बच्चों, डेविएट हो जाएगी, अब जाकर ये क्या कर देगा बच्चों, यहाँ से रेटिना पर इमेज बना देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे हम, ठीक है ना बच्चों। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स ब्लू, फ्रॉम द स्पेस इट अपीयर्स ब्लैक, व्हाई सर, कुछ कुछ स्केटरिंग हमें याद आता हुआ दिख रहा है, ये पूछ रहा है बच्चों जो कलर ऑफ द स्काई है वो हमें ब्लू की दिखता है, जबकि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको कलर ऑफ द स्काई कैसा दिखता है बच्चों, ब्लैक दिखता है। ओरिजिनल कलर कैसा है बच्चों आप बता सकते हो स्काई का, ओरिजिनल कलर सर ब्लैक है, कैसा है, इसलिए तो रात को सारा ब्लैक हो जाता है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो हमें कैसा दिखता है बच्चों, ब्लैक दिखता है, ठीक है। जैसा हमें रात को दिखता है ना बच्चों वैसे ही एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखता है बच्चों, वो ही कलर दिखता है, ठीक है। ये हम स्केटरिंग वाला आगे देखते हैं ना, चलिए। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -1.2 डी, डी क्या है, डायप्टर है बच्चों, टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ विजन, अगर पावर नेगेटिव है, मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, पावर क्या है बच्चों, नेगेटिव है ना, पावर की फॉर्मूला जानता हूँ बच्चों मैं, 1/f, या f को मैं लिख सकता हूँ 1/p, यहाँ से 1/-1.2, तो यहाँ से कितना आया बच्चों -10/12, ये कितना आया -0.8 ऐसा कुछ कुछ आएगा बच्चों, मीटर में लिख देते हैं ना। क्या ये फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है सर, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बच्चों बता सकते हो क्या, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट फ्रॉम ही सफरिंग, नेगेटिव फोकल लेंथ का यूज करेंगे, करेक्टिव लेंस पावर हमने यूज किया है नेगेटिव का, इट मींस नेगेटिव लेंस का नेगेटिव पावर का लेंस यूज किया है, इसका मतलब है सर इस बच्चे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ है ना, मैंने बताया था नेगेटिव चश्मा जिसके लग रहा है उन बच्चों को दूर का दिखाई नहीं दे रहा, और जिनके पॉजिटिव लगता है उनको पास का दिखाई नहीं देता, इट मींस ये कौन सा, वही बच्चों वही वापस से मायोपिया है ना, मायोपिया, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये निकाल दी बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ -0.833, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, बताओ कौन सा लेंस लगाना चाहिए उसको सर, उसको लगाना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस, है ना, कौन सा, सही करने के लिए बच्चों, शो द नेचर ऑफ द लेंस विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम, अच्छा ये देखो ये हमारी आई बॉल, ये हमारा आई बॉल का अंदर का लेंस, ठीक है, ये पहले ही कन्वर्ज कर रहा था, तो इसको ठीक करने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसके आगे एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दे तो कैसा रहेगा, है ना, ये लो, अब जो रेस आएगी वो पहले से ही क्या होगी बच्चों, डाइवर्ज होके आएगी, ठीक है, देख रहे हो आप डाइवर्ज हुई ना बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर,
रेटिना पर मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं बच्चों कि इनफाइनाइट से अगर रेज आ रही है तो क्या हो जाएगी, ये कौन सा लेंस हुआ बच्चों, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यहाँ से पहले ही डाइवर्ज हो गया ये रेज, तो अब जहाँ पर कन्वर्ज करना है वो कौन सी पोजिशन होगी बच्चों, रेटिना। ठीक है, क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है क्या बच्चों में, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस, है ना, डाइवर्ज कर रहा है ना, डाइवर्जिंग लेंस, क्लियर है। रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस ऑफ हिज फ्रेंड हरी, हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन ऑन द बुक, एक्सप्लेन व्हाई। इसने क्या कहा, रवि केप्ट अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइस ऑफ हिज फ्रेंड हरी, हरी की आंखों से 10 सेंटीमीटर एक बुक रवि ने पकड़ रखी है। ठीक है, हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन इन द बुक, क्या हरी कुछ चीज पढ़ पा रहा है क्या, नहीं सर, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि हम जानते हैं सर मिनिमम डिस्टेंस, नियर वाली डिस्टेंस कितनी होती है बता सकते हो आप सर, वो होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, हाँ या ना। इट हैपन्स बिकॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा सर, अगर आप 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है सर, अगर वहाँ तक ले जाते हो तो रवि हरी बिल्कुल पढ़ लेगा बच्चों, है ना। कुछ है क्या, चलिए अच्छा, इसकी फोकल लेंथ भी देखते हैं सर, वी कितना है, इमेज का मान ली बच्चों -25, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना, वाओ। क्या मैं लेंस फॉर्मूला से मैग्नीफाइंग, इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ क्या बच्चों, ये बताओ, निकाल सकते हैं क्या, चलिए एक बार ये दे रखा है हमें, ये गिवन कंडीशन है, क्या हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं क्या सर, हाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 1/5 - -25 - 1/u कितना आ गया बच्चों, 1/-25 - 1/5 - 1u इजिकल टू 25 को मान लिया -1 - 6। ठीक है, -6/25, तो मैं ये कह सकता हूँ यू कितना आया बच्चों, 25/6 माइनस में, तो ये कितना आ गया, -4 point something आया ना, 4.1। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4.1। तो हम मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जानते हैं क्या, वी बाय यू होता है सर, है ना, तो कितना आ रहा है बच्चों, -25, इसको ही अगर 25/6 ही लिख दें हम, तो -25/6। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, 6, पॉजिटिव 6 आया बच्चों। ठीक है, आइए, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, मेंशन द फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, जो कलर होता है स्काई का, मैंने आपसे बोला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, जो हमें स्काई का कलर दिखता है वो बच्चों ब्लू क्यों दिखता है वो बताना है। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फाइंड, एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फाइंड स्काई इज ब्लू, नहीं सर, उनको कौन सा दिखता है बच्चों, ब्लैक दिखता है। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फाइंड स्काई टू बी डार्क, ठीक है, एक्सप्लेन रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, हम ये जानते हैं क्या बच्चों कि जो सन से लाइट आती है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में से होकर आती है। ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सर, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जब लाइट रे इनके ऊपर गिरती है, ठीक है, तो वो चारों डायरेक्शन में क्या हो जाती है बच्चों, फैल जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है,
किस पर डिपेंड रहेगा कि कौन सी लाइट आगे जाए। क्या हम ये जानते हैं कि सर जो सन से लाइट आती है वो 7 डिफरेंट कलर्स की होती है, हाँ या ना? ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक इंटेंसिटी ऑफ द लाइट किस पर डिपेंड होती है सर, वेवलेंथ की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी बच्चों, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। और ये पार्टिकल का साइज इतना होना चाहिए सर, कितना? बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, लाइट के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग दिखेगी बच्चों में। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर है तो ही हमें स्कैटरिंग दिखेगी, तभी तो टकरा के चारों दिशाओं में चल जाएगी, ठीक है। और अगर बड़ा हुआ तो ये सारी लाइट्स इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, फैल जाएगी। इट मीन्स वाइट लाइट दिखेगी अगर ये पार्टिकल का साइज बड़ा है। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, क्या कह रहा हूँ मैं, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो वाली लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, बाकी लाइट सीधी निकल जाएगी। और अगर ये पार्टिकल का साइज बड़ा है तो क्या करेगा, सारी लाइट को क्या कर देगा, ये स्कैटर्ड कर देगा, इतनी सारी लाइट को सारी फैला देगा। छोटी होगी तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, वो वाली लाइट हमें दिखेगी। इसलिए सर पार्टिकल का साइज स्काई में क्या होता है बच्चों, कम होता है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमोसफियर, यहाँ तक एटमोसफियर, यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल होते हैं। तो सन से जो लाइट आती है, ठीक है, वाइट लाइट आ रही है, अब इस पार्टिकल से टकराई और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, स्कैटर्ड हो जाएगी, बाकी लाइट सीधी निकल जाएगी, है ना। तो जो फैलेगी वही तो दिखेगी बच्चों। तो यहाँ से हम ये देखेंगे विबग्योर में इस तरफ क्या हो जाता है बच्चों, लैम्डा बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ा तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये दिखेगी क्या सर, नहीं। जबकि इस वाले की बात करूँ वॉयलेट की, तो इसका लैम्डा कम है, इसका लैम्डा कम है, इट मीन लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली स्कैटर्ड हो जाएगी बच्चों, और ये तीन कलर हमें दिखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ये क्या हो जाता है बच्चों, स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे स्काई में, और इस कारण से ये वाले कलर हमें दिखाई देते हैं इन डे टाइम। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए आइए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फैलना, है ना, इस पार्टिकल से टकराकर सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। द कलर्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल। मैंने अभी आपको बताया कि सर वो पार्टिकल पर डिपेंड करता है सर, है ना, कि पार्टिकल बड़ा है या लाइट की वेवलेंथ के बराबर है सर, है ना। द कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इसके बराबर वेवलेंथ, उस आने वाली लाइट की वेवलेंथ और साइज का पार्टिकल अगर सेम हुआ तो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी बच्चों। क्लियर है? इट मीन्स स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 6। डी क्या है यहाँ पर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, जो मैंने पार्टिकल बनाया था ना लाइट वाला, इसका डायमीटर है, किस पर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 6, ठीक है। डी की पावर 6 क्या है, डी क्या है बच्चों, डायमीटर, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/ लैम्डा की पावर 4, अभी बताया ना बच्चों, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/ लैम्डा की पावर 4। लैम्डा क्या है बच्चों यहाँ, वेवलेंथ, ये क्या है लैम्डा, वेवलेंथ, हाँ या ना, ये क्या है बच्चों, वेवलेंथ। क्या क्लियरली विजिबल है? यस सर, चल सकते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम की बात करते हैं, स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों, क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं बच्चों, चारों तरफ फैल जाते हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है इसलिए उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है? दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एटमोसफियर इज स्मॉलर, एटमोसफियर में जो साइज होता है स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, इट मीन्स ब्लू लाइट, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, ये मैंने आपको डिस्कस किया। फॉर एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स डार्क, कितना कैसा दिखता है बच्चों, डार्क, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्लैक, क्या बोल देते हैं बच्चों, ब्लैक, ठीक है। बिकॉज देर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन स्पेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ पार्टिकल,
स्पेस में कोई पार्टिकल है क्या सर? नहीं सर, कोई पार्टिकल नहीं है ना, जहां से लाइट की स्कैटरिंग हो। ठीक है, ऑन संडे क्रिश लुक्ड एट द स्काई थ्रू अ वाटर फाउंटेन एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी अ रेनबो इन द स्काई। ठीक है, संडे का दिन था भैया, क्रिश ने स्काई की तरफ देखा, वाटर फाउंटेन हो रहा था, मतलब बारिश हो रही थी, एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी अ रेनबो। ठीक है, क्या बारिश के टाइम ही रेनबो बनता है सर? हाँ सर, रेनबो कहाँ बनता है सर? अपोजिट टू द सन बनता है सर, हाँ या ना, अपोजिट टू द सन बनता है। क्या फिनोमेनन होता है सर? डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो हम पढ़ चुके हैं सर, इस तरह लाइट की रे आई, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम कर रही है बच्चों? एक प्रिज्म की तरह काम करती है बच्चों, किसकी तरह काम करती है बच्चों? एक प्रिज्म की तरह काम करती है, ये बात हम कर चुके हैं। द लोकेशन ऑफ द सन, किसकी लोकेशन पूछ रहा है बच्चों? द लोकेशन ऑफ द सन व्हेन क्रिश ऑब्जर्व्ड अ रेनबो वाज, बताओ सन की लोकेशन क्या थी? अगर क्रिश यहाँ खड़ा है, रेनबो आगे बन रहा है, तो ऑब्वियसली सन की पोजीशन क्या होगी? पीछे होगी बच्चों, कहाँ होगी? अपोजिट टू द सन बनता है रेनबो, याद रखना बच्चों, है ना। क्रिश ऑब्जर्व्ड रेनबो, क्रिश क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है रेनबो को, तो हम ये कह सकते हैं कि बिहाइंड हिम उसकी पोजीशन होगी। क्या इन फ्रंट ऑफ हिम हो सकती है क्या सर? सूरज भी सामने, रेनबो भी सामने? नहीं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज भी सामने, रेनबो भी सामने? नहीं, अगर रेनबो सामने है तो सन कहाँ होगा बच्चों? पीछे होगा। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, ठीक है, ओवरहेड भी नहीं होगा। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, मैंने अभी आपको बताया कि सर एक तो क्या होता बच्चों? रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर है? इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द वाटर फाउंटेन इज टू एक्ट एज अ प्रिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि सर वो वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह एक्ट कर रही है बच्चों? प्रिज्म की तरह, है ना। तभी तो डिस्पर्जन हो रहा है बच्चों, वहाँ पर सेवन डिफरेंट कलर्स में उसको स्प्लिट कर रही है बच्चों, है। वाइल एंटरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट, बताइए, फर्स्ट Diffracted, then dispersed while coming out of the water droplet. Clear है? बाहर आएगी तभी तो रे दिखेगी बच्चों, है ना। अगर वो सीधी निकल जाएगी तो रे दिखेगी क्या? नहीं। तो ये हमारे ह्यूमन आई के फुल्ली चैप्टर कवर हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब तक पूरे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक एक चीज हम इस चैप्टर में से देख चुके हैं सर। कोई सा भी ऐसा सेक्शन नहीं रहा जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो और हमने वो चीज़ नहीं देखी हो। ठीक है, वो टॉपिक को टच नहीं किया हो, हर एक टॉपिक को हम टच कर चुके हैं सर। रेनबो देखा सर, स्केटरिंग देखी, डिफेक्ट्स देखे, सब देखा बच्चों हमने। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को आप एक बार, दो बार, दस बार देखिए, मैं अश्योर करता हूँ आपको कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, सारे डाउट क्लियर होंगे, क्या होता है ना। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। टेक केयर बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पढ़ते रहेगा। लर्न एंड प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।